माई नेम इज़ रिदा टालपुर, आई एम अ PMS ऑफिसर राइट नाउ, आई एम सर्विंग एज अ डिस्ट्रिक्ट मैनेजर हैदराबाद एंड PPHI। अच्छा, उसके बाद सवाल आता है कि इम्पॉर्टेंस ऑफ जो है ना प्रैक्टिस, लाइफ में प्रैक्टिस कितनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, वो चीज़ें जो आपको बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट लगती हैं उनको भी करना कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ट्रस्ट मी, जितने भी जो है दुनिया के कामयाब तरीन लोग हैं वो अपना समझें, अगर हम हफ्ते को परसेंटेज पे ले आएँ तो वो 70-80% जो है ना अपना हफ्ता उस स्किल पे जिसकी वजह से वो मशहूर हैं उस पे जो है उसको पॉलिश करने में वो जो है स्पेंड करते हैं। अगर आप क्रिकेटर्स को देखें तो वो क्या करते हैं कि वो मोस्ट ऑफ़ द टाइम जो है अपनी प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। अगर आप सिंगर्स को देखें तो वो सुबह उठ के जो है अपनी प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। सिमिलरली जितने भी लोग हैं जो आर्ट से रिलेटेड हैं, जो IT से रिलेटेड हैं, जो एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड हैं, वो अपनी स्किल्स को पॉलिश कर रहे होते हैं। इवन इफ़ यू आस्क मी, तो मैं भी अपनी जो है स्किल्स को पॉलिश करती रहती हूँ। वो कैसे, पहले ही मैंने बताया हुआ है कि यहाँ मैं बुक्स पढ़ती रहती हूँ, मैं डिफरेंट रूल्स पढ़ती रहती हूँ, रेगुलेशंस पढ़ती रहती हूँ। मेरा एक लेटर, एक रिसर्च दूसरे रिसर्च से बेहतर होती है। क्यों? क्योंकि बीच में मैंने उसके पढ़ा हुआ होता है कि और कौन सी चीज़ें थी जिसकी वजह से मैं इसको बेहतर कर सकती थी। तो प्रैक्टिस जो है ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और वो प्रैक्टिस आप कैसे करते हैं? आप प्रैक्टिस करते हैं रिपीटेशन से। अब वो रिपीटेशन जो है ना वो हमें थोड़ा सा उलझाती है। हम कहते हैं कि जो डिफ़िकल्ट चीज़ें ना उनको हम छोड़ दें, हम क्यों उन पर रिपीटेशन जो है ना करें। तो देर वॉज दिस बुक एटॉमिक हैबिट्स के नाम से किताब है, उसमें उसके ऑथर ने बहुत अच्छा लिखा हुआ है कि चीज़ों को जो है वो छोटे छोटे गोल्स में और छोटी छोटी आदतों में आप तब्दील कर लें। अगर मैं आपको ये कहूँ कि आज के आज आप मुझे ये बुक पढ़ के दिखा दें तो आप शायद ना पढ़ सकें, इवन आप इसको हफ्ते में भी ना पढ़ सकें। लेकिन अगर मैं आपको 20 दिन दूँ और फिर मैं आपको कहूँ कि आप एक दिन में एक चैप्टर पढ़ें और इस एक चैप्टर में अगर लेट्स से 50 पेजेस हैं, उस 50 पेजेस में रोज़ एक घंटे में आप 5 पेज पढ़ें, तो इवेंचुअली आप जो है वो 20 दिन ये बुक पढ़ कर दे देंगे। क्यों? क्योंकि आपने जो है इसको छोटे छोटे चीज़ों में जो है तोड़ा हुआ था। तो पहली बात ये कि जब आप प्रैक्टिस करते हैं तो चीज़ों को जो है वो छोटे छोटे लेवल्स में ले आएं एंड देन चीज़ों को आप रिपीट करें। यानी जिस चीज़ में आप अच्छे नहीं हैं, जिस स्किल में आप अच्छे नहीं हैं उसको छोड़े नहीं, बल्कि उसको मुसलसल रिपीटेशन के साथ पॉलिश करते जाएं। इवेंचुअली क्या होगा कि वो चीज़ आपकी बेहतर बन जाएगी। आई बिलीव मैंने पिछले भी अपने इंटरव्यू में एक ये बात कही थी कि वन ऑफ माई वेरी गुड फ्रेंड, वेरी गुड डॉक्टर, उसने मुझे कहा था कि मैडम मैंने आपका इंटरव्यू देखा था तो आपने उसमें कहा था कि अगर मैं कर सकती हूँ तो कोई भी कर सकता है। तो शी स्टार्टेड राइटिंग विथ हर लेफ्ट हैंड, तो उसने उससे प्रैक्टिस की, उसने 3-6 महीने मुसलसल उल्टे हाथ से लिखने की प्रैक्टिस की, बिकॉज उसके राइट हैंड में फ्रैक्चर था। एंड इवेंचुअली शी इज़ राइटिंग द प्रिस्क्रिप्शन टू द पेशेंट्स। तो अगर वो कर सकती है, वो कैसे कर सकती है? क्योंकि वो मुसलसल इसकी प्रैक्टिस करती रही। तो प्रैक्टिस जो है वो आपकी, वो बहुत ही ज़्यादा लाइफ में इम्पॉर्टेंट है।